है ये उन लोगों के लिए है जो या तो कंफ्यूजन में है या अदर यूट्यूबर्स की फेक न्यूज से ये मान बैठे हैं कि इस साल या तो एग्जाम कैंसिल होंगे या फिर आपका सिलेबस दोबारा से रिड्यूस होगा। तो देखिए वीडियो को। इससे पहले मैं सबसे कहना चाहूंगा कि गाइज आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है। आपके जो कमेंट्स आते हैं अच्छे अच्छे उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइबर है वो अभी तक जो एक सेटिस्फाइड नंबर होता है वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहे। तो कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूँ अनुराग की बैठी और स्वागत है आप सबका मेरी इस नई YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये मेरे को वैसे बहुत दिनों पहले बना लेनी चाहिए थी, बट टाइम की कमी के कारण या कह लीजिए और भी बहुत से ऐसे कारण थे जिनके कारण से ये वीडियो मेरे को थोड़ा लेट बनानी पड़ रही है। बट कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो इसी के साथ आज की जो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए उसको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों जब से लॉकडाउन 3 स्टार्ट हुआ है स्कूल्स के लिए, वैसे तो और कहीं पे भी लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ जो लॉकडाउन लगा है वो सिर्फ स्कूलों के लिए लगा है। तो जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, पहले 7 दिन का था, 7 जनवरी तक था, फिर 15 जनवरी, 26 जनवरी, इस हिसाब से जो ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं ये आस लगाई जा रही थी कि फिर से जो प्रीवियस 2 ईयर्स में हुआ है सेम उसी तरीके से इस साल भी कुछ सिलेबस जो होगा वो एग्जाम से रिड्यूस हो जाएगा। और कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ जो फेक न्यूज़ थी ऐसी भी फैलाई जा रही थी कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उन सब न्यूज़ के लिए जो CBSE ने है ओनली वन अनाउंसमेंट से ही सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है, सबको रियलिटी बता दी है कि इस बार क्या होने वाला है। तो उन्हीं टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या CBSE ने बताया है, क्या क्या आगे होने वाला है। तो CBSE ने सबसे पहली बात जो कही वो ये कही कि जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले थे जिसमें आपका नेक्स्ट 50% सिलेबस आने वाला है। देखिए जो रिड्यूस हो गया था आपके स्टार्टिंग में, लास्ट जो जुलाई में सिलेबस आया था उस टाइम पे जो रिड्यूस करके बता दिया था, जो चैप्टर्स रिमूव कर दिए थे, वो चैप्टर्स तो रिमूव ही है, उनको तो कोई भी ना ऐड किया गया है ना उन पर कोई छेड़छाड़ की गई है। बट जैसे ही खबर उड़ रही थी कि अब जो बचा हुआ सिलेबस है उसमें से भी कुछ रिड्यूस किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। CBSE ने क्लियर कर दिया है कि जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस एज इट इज ही आपका एग्जाम में आने वाला है, जो भी सिलेबस है वो एग्जाम में ऐसे ही आएगा, उसमें कोई भी रिड्यूस चैप्टर नहीं हुआ है, ना ही कोई टॉपिक रिड्यूस किया गया है, एज इट इज आपका सिलेबस आने वाला है। सेकेंड जो चीज़ है स्टूडेंट्स वो ये है कि कंटिन्यू जो कयास लगाए जा रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, तो एग्ज़ाम कैंसिल होने के लिए भी CBSE ने साफ अनाउंस कर ही दिया है कि इस साल एग्ज़ाम कैंसिल होने जैसा कुछ भी नहीं है। 15 to 18 सभी को वैक्सीन स्टार्ट हो गई है और टारगेट किया गया है कि जनवरी जनवरी में ही सभी जो भी 15 से 18 ग्रुप वाले लोग हैं यानी स्टूडेंट्स जो कैटेगरी आती है बोर्ड कैटेगरी आती है उनको वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये CBSE ने साफ कर दिया है कि ना ही इस बार एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और ना ही कोई सिलेबस रिड्यूस होगा। तो मेरी सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई जो है उसको पूरी रखे, पढ़ाई के ऊपर कोई भी ढील ना दे। अगर किसी को अभी भी 1% कोई गलतफहमी है या फिर जो अदर यूट्यूबर्स हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने का या मिसलीड करने का काम करते हैं उनके अगर आप कांटेक्ट में हैं और कोई आपको ये कह रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इसमें और किसी का नुकसान नहीं है। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आगे आप अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू ध्यान देंगे, कंटिन्यू पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, कोई अदर एक्टिविटी नहीं, कोई खेल कूद नहीं, आपके पास 2 महीने बचे हैं। उम्मीद यही है कि मार्च में आपके फर्स्ट वीक से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एड करते हैं, मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, रेगुलर अगर बाहर जाए तो मास्क लगा के जाए और अगर घर पे रहे तो रेगुलर हैंड वॉश करें।